नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मनी और डिजिटल न्यूज़ MDN पर। दोस्तों बात करने वाले हैं सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग लिमिटेड स्टॉक के बारे में। सो गाइस, अभी के टाइम सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग में अगर देखा जाए तो काफ़ी बढ़िया रैली मार्केट में वापस नजर आई है, क्योंकि दोस्तों कमेंट्स ये देखने को मिल रहे थे कि इस स्टॉक में तो लगातार लोअर सर्किट देखने को नज़र आ रहा है। मैंने आप लोग को बताया था कि रिवर्सल काफ़ी जल्द नज़र आने वाला है और आज के मार्केट में फिर से नज़र आ चुका है। तो अभी के टाइम दोस्तों अब अगला जो टारगेट है वो क्या होने वाला है, साथ ही साथ दोस्तों अभी के टाइम हम लोग को इस स्टॉक में कितनी होल्डिंग किस टर्म के लिए बनानी चाहिए वो भी आप लोग को बताने वाला हूं, और क्वार्टर फोर का टारगेट क्या बन सकता है। प्राइस के रूप में अगर जाने दोस्तों तो सबसे पहले 21.70 रुपये पर आज की क्लोजिंग नजर आई है, एक अच्छी पॉजिटिव क्लोजिंग पॉजिटिव आंकड़ों के ऊपर देखने को नजर आई है। क्योंकि सिंगल सेशन में अगर देखा जाए तो दोस्तों रिटर्न जो इंक्रीज हुए हैं सिंगल शेयर पर 2.60%, पर इस बीच दोस्तों 22.05 रुपये तक आज के मार्केट पर बड़ी रैली भी देखने को मिली है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों मार्केट में जो अपर सर्किट लगने का दोस्तों जो ग्रीन सिग्नल है वो भी हम लोगों को मिल रहा है। और इस बीच अगर हम बात करें दोस्तों सिंगल 5 सेशन के ऊपर, तो सिंगल 5 सेशन में हम लोगों को दोस्तों गिरावट का भी सामना करना पड़ा है। जो 22.5 रुपये से इस स्टॉक में गिरावट बढ़कर 20.80 रुपये तक भी नजर आई थी, पर 20.80 रुपये तक गिरावट आने के बाद मार्केट में दोस्तों आज यहाँ पर देखा जाए तो 22.05 रुपये तक जो है वापस ग्रीन सिग्नल का जो आंकड़ा है वो भी देखने को मिल रहा है। क्योंकि IT सेक्टर में दोस्तों इन इलेक्शन के बाद दोस्तों अप्रैल में दोस्तों जो इलेक्शन देखने को मिलने वाले हैं, तो इलेक्शन के बाद दोस्तों काफ़ी बढ़िया जो है बड़ी अनाउंसमेंट IT सेक्टर के लिए बन सकती है। तो अभी के टाइम दोस्तों अगर ऐसा होता है IT सेक्टर में अगर कोई बड़ी अनाउंसमेंट अगर होती है तो कहीं ना कहीं दोस्तों जो छोटे पेनी स्टॉक जो लगभग दोस्तों 1 रुपये से लेकर 40 रुपये के बीच में दोस्तों जो पेनी स्टॉक देखने को मिलते हैं, जो छोटे शेयर देखने को मिलते हैं, तो उनकी दोस्तों बढ़िया लॉटरी लग सकती है। और साथ ही साथ अभी के टाइम कंपनी ने दोस्तों पिछले टाइम से EMC लिमिटेड को दोस्तों अधिग्रहण किया था, और कहीं ना कहीं दोस्तों कंपनी जो है छोटी कंपनियों को दोस्तों यहाँ पे अधिग्रहण करती हुई नजर आ रही है। क्योंकि दोस्तों ऑलरेडी कंपनी के पास एक बढ़िया मार्केट कैप देखने को मिल रहा है, कंपनी के ऊपर दोस्तों कोई जो बड़ा कर्ज है नहीं, तो कहीं ना कहीं दोस्तों छोटी कंपनियों को दोस्तों खरीद अधिग्रहण करते करते दोस्तों कंपनी एक बड़ा दोस्तों एक अच्छा जो है बेस क्रिएट करना चाहती है, एक बढ़िया जो है प्लेटफॉर्म तैयार करना चाह रही है। तो अभी के टाइम कहीं ना कहीं दोस्तों कंपनी के अंदर जो 63% के जो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी देखने को मिल रही है, तो आने वाला फ्यूचर सच में ब्राइट बनता हुआ मिलने वाला है। तो अभी के टाइम मेरा तो सजेशन यही देखने को मिल रहा है कि मुझे तो दोस्तों इन्वेस्टमेंट करने लायक जो डेटा है वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। क्योंकि दोस्तों मैक्सिमम टाइम का रिटर्न देखें, पिछले 5 सालों का रिटर्न अगर हम देखें, या पिछले 1 ईयर का रिटर्न, या पिछले 6 महीने का रिटर्न, तो दोस्तों 56% रिटर्न कंपनी ने पे आउट किया है। और दोस्तों अभी के टाइम लास्ट 1 महीने में जो गिरावट हम लोगों को दोस्तों इस मार्च के महीने चलते देखने को मिली है, तो इस गिरावट से दोस्तों मेरा तो पर्सनल ओपिनियन यही निकल के आता कि ये मार्च की जो गिरावट है वो तो हमेशा देखने को मिलती है। मार्च के महीने में टोटल जो मार्केट है वही क्रेश देखने को मिलता है, तो हमें पैनिक होना नहीं चाहिए। क्योंकि अगर पैनिक होकर वर्तमान में अगर इस टाइम अगर सेलिंग ऑर्डर लगाएंगे तो सबसे बड़ी मूर्खता दोस्तों यही टाइम देखने को मिलने वाली है। क्योंकि दोस्तों जिस टाइम हम लोग सेलिंग ऑर्डर लगाएंगे दोस्तों उस टाइम ऑपरेटर्स बाइंग ऑर्डर लगाएंगे, तो इस बात से हम लोगों को वाकिफ होना चाहिए कि वर्तमान में टाइम जो है बाइंग ऑर्डर का ही रहने वाला है। दोस्तों मैं तो सजेस्ट यही करूँगा कि जितना हो सके अभी के टाइम हम लोग को बाइंग ऑर्डर लगा लेना चाहिए। क्योंकि दोस्तों एक अच्छी कंपनी की पहचान के रूप में कंपनी में जो डेटा अवेलेबल देखने को मिल रहा है, तो दोस्तों हमें तो एक से बढ़कर एक इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में करने लायक जो डेटा है वो मिल रहा है। फिलहाल आगे बढ़ने से पहले बता दूं, चैनल पर नए हो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लेना। तो दोस्तों आज के इंट्राडे की वॉल्यूम की सबसे पहले अगर हम बात करें तो दोस्तों इंट्राडे की जो वॉल्यूम है 101 लाख रुपए की जो है हमें वॉल्यूम देखने को नजर आई। इस बीच दोस्तों वैल्यू की अगर बात की जाए तो 22 करोड़ की वैल्यू नजर आई, पर मार्केट में दोस्तों बाइंग ऑर्डर काफ़ी स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। और जिस प्रकार मैंने आप लोग को बताया था कि मार्केट में दोस्तों बायर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहे हैं, होल्डिंग क्योंकि काफ़ी हाई लेवल के देखने को नजर आ रही है। क्योंकि 40,90,912 शेयर दोस्तों आज के सिंगल सेशन पर नेक्स्ट मार्केट के लिए या आगे के फ्यूचर के लिए होल्डिंग पर देखने को मिलना, ये अपने आप में दोस्तों काफी बढ़िया बात बन सकती है। और साथ ही साथ दोस्तों अभी के टाइम कंपनी में लगातार जो होल्डिंग क्रिएट हो रही है, तो डेटा काफी बढ़िया पॉजिटिव भारतीय बाजारों का भी रिवर्सल पर देखने को मिल रहा है। तो अभी के टाइम दोस्तों एक से बढ़कर एक जो खुशखबरी है वो यही देखने को मिल रही है कि हमें तो दोस्तों इन्वेस्टमेंट करने लायक जो डेटा है वो यही देखने को मिल रहा है। क्योंकि लगातार अगर पिछले टाइम से अगर देखा जाए तो कंपनी में एक अच्छी बढ़िया ग्रोथ भी देखने को नजर आई, पर दोस्तों अभी के टाइम कंपनी ASM
लिस्ट के प्रथम फर्स्ट स्टेज में देखने को नजर आ रही है। अब फर्स्ट स्टेज में गिरने डालने का जो रीजन है वो ये देखने को मिलता है कि दोस्तों जो एसएम लिस्ट में डालने से दोस्तों यही दिक्कत आती है कि कंपनियों को एसएम लिस्ट में डाला क्यों जा रहा है, क्योंकि मार्केट में लगातार अच्छी रैली के बाद सेलिंग ऑर्डर इतना ज़्यादा क्यों देखने को नजर आए, इतनी बड़ी गिरावट किस वजह से देखने को मिल रही है, तो उससे भी यही चीज़ें जानना चाहती है। तो दोस्तों अभी के लिए अगर देखा जाए तो वो तो अपने नियम कानून के हिसाब से दोस्तों डाल रही है, पर अभी के टाइम हमें दोस्तों इस चीज़ को हल्के में लेने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि फिलहाल अभी के टाइम हम लोग को पेशेंस बनाना होगा, क्योंकि लगातार जो आंकड़े हैं वो कहीं ना कहीं टेक्निकली और फंडामेंटली स्तर पर अगर देखे जाए तो उतार चढ़ाव वाले ही देखने को मिल रहे हैं। तो मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि फिलहाल होल्डिंग बना ले। फिलहाल आपकी नज़र में इस स्टॉक की और कोई बेसिक जानकारी हो कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना। उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी, पसंद आई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर से कर देना। और आपकी नज़र में कोई पेनी स्टॉक हो तो उसकी जानकारी कमेंट में पिन कर देना, एनालिसिस करके आपको जल्दी बता दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय श्री कृष्णा, थैंक्स रोसिंग।